नमस्कार बच्चों, आज हम अपने हिंदी व्याकरण का पाठ 6 लिंग पढ़ेंगे। बच्चों, लिंग किसे कहते हैं? स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं, मतलब जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि यह स्त्री जाति के शब्द हैं या पुरुष जाति के, तो वे शब्द हमारे लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे नाना, लेखक, लड़का। और वे शब्द जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, दादी, नानी आदि। बच्चों, अब हम इन चित्रों को देखते हैं और इनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ते हैं। धोबी कपड़े धो रहा है। धोबी कपड़े धो रहा है। धोबिन कपड़े सुखा रही है। धोबिन कपड़े सुखा रही है। बच्चों, धोबी शब्द किस जाति की पहचान करा रहा है? पुरुष जाति का। तो ये हमारा कौन सा शब्द हुआ? पुल्लिंग। इसी तरह से धोबिन हमारी किस जाति का पहचान करा रही है? स्त्री जाति की। तो यह हमारा कौन सा शब्द हुआ? स्त्रीलिंग। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। माताजी चाय बना रही है। तो पिताजी हमारा कौन सा शब्द हुआ? पुल्लिंग। और माताजी हमारा स्त्रीलिंग। इसी तरह से शेर दहाड़ रहा है। शेरनी बैठी है। शेर से हमें क्या पता चल रहा है? ये कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द। और शेरनी से हमें क्या पता चल रहा है? ये कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द। छात्र पढ़ रहा है। छात्रा लिख रही है। छात्र शब्द से हमें पता क्या चलता है? ये कौन सा शब्द है? पुल्लिंग। और छात्रा शब्द से स्त्रीलिंग। तो बच्चों, जिन शब्दों से हमें यह पता चलता है कि ये पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं या स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, तो वे शब्द हमारे लिंग कहलाते हैं। आओ बच्चों, अब हम कुछ अन्य पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द को पढ़ते हैं। जैसे घोड़ा घोड़ी, घोड़ा घोड़ी। हाथी हथनी, हाथी हथनी। ताऊ ताई, ताऊ ताई। चाचा चाची, चाचा चाची। बेटा बेटी, बेटा बेटी। कवि कवित्री, कवि कवित्री। श्रीमान श्रीमती, श्रीमान श्रीमती। छात्र छात्रा, छात्र छात्रा। लड़का लड़की, लड़का लड़की। शिक्षक शिक्षिका, शिक्षक शिक्षिका। आओ बच्चों, अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास करते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं बच्चों लिंग? 2, 3, 4। दो प्रकार के। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग, वचन या स्त्रीलिंग? तो इसका सही उत्तर है स्त्रीलिंग। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? नौकरानी, युवती या बिलाव? तो सही उत्तर क्या है इसका? हमारा बिलाव। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए।
डैश घास खाता है। घोड़ा या घोड़ी? तो सही उत्तर क्या होगा आपका? घोड़ा। घोड़ा घास खाता है। डैश माला बना रही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? माली या मालिन? मालिन। मालिन माला बना रही है। डैश जी शंख बजा रहे हैं। पंडित पंडिताइन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? पंडित। पंडित जी शंख बजा रहे हैं। डैश दौड़ रही है। नायक नायिका। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? नायिका दौड़ रही है। डैश नाच रहा है। मोर मोरनी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मोर। मोर नाच रहा है। दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। बैल गाय। बैल गाय। गायक गायिका। गायक गायिका। बकरा बकरी। बकरा बकरी। घोड़ा घोड़ी। घोड़ा घोड़ी। सेठ सेठानी। सेठ सेठानी। हाथी हथनी। हाथी हथनी। तो बच्चों, अब आपको इन शब्दों को अपनी कॉपी में साफ साफ सुंदर सुंदर लिखना है। बच्चों, आपको जो भी काम दिया जा रहा है वो आपको अपनी कॉपी में करना है और साफ साफ सुंदर सुंदर लिखना है। आपकी कॉपी और काम के आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे और जब आप स्कूल आओगे तो आपका एक टेस्ट भी होगा। जो भी काम आपने याद किया होगा उसका भी एक टेस्ट होगा और उस पर भी आपको अंक दिए जाएंगे। लिखित में जो कार्य कॉपी में किया होगा और जो भी आपने याद किया होगा उसी के आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे। धन्यवाद।